अरे मेन आइटम अपनी गिर रही। माशाल्लाह, ये जो सवेरे मैंने ड्रम में से दिखाया था जी। ओहो, पलाई के कॉन्सेप्ट में तुम पहले इतना नहीं थे मंसूर भाई। नहीं, मैं ध्यान नहीं देता था भाई। क्यों तुम ऐसा, क्यों तुम्हारी सोच ऐसी क्यों थी कि पलाई नहीं? मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने जानवर ही तैयार करके बेचूं। माशाल्लाह देखो, आज से नया नाम लड्डा। लड्डा देखो भाई, ये साइज देखो, कौन बोलेगा भाई इसे लड्डू, ये लड्डा है लड्डा। मंसूर भाई, आज हम दिखा रहे हैं इनको विंटर स्पेशल। हाँ, विंटर स्पेशल जो आपने, ये ठंड की शुरुआत हुई है जी, जी। तो जो आपने जानवरों को ठंडी के लिए शुरू किया है खिलाना, क्या बोलते हैं उसको आप बताओ? ड्राई फ्रूट चूरमा। ड्राई फ्रूट चूरमा। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं अल्यूम गोट फार्म पे हूँ। तारीख आज है 22nd और ये वीडियो कौन से डेट में आएगी, आज या कल में, जब भी आएगी आप लोगों को दिख जाएगी। यहाँ पे मैं अपने वही नॉर्मल रूटीन के हिसाब से आया हुआ था, तो यहाँ पे मंसूर भाई ये जो चूरमा बना रहे थे, तो मैंने बोला भाई इसका तो आपने एक इंस्टाग्राम पे छोटा सा वीडियो बनाया है, मगर इसमें क्या क्या डलता है ये आपकी जबानी बताओ हमें, और बनाते हुए दिखाते, तो चलो देखते हम लोग। देखो यहाँ पे ये सारी चीजें निकली हुई है बाहर, तो इसमें ऑलरेडी दो चीजें डाल चुके हैं। तीन चीज डाले, क्या डाले मंसूर भाई? इसमें एक तो ये देखो, ये मल्टीग्रेन आटा है। मल्टीग्रेन आटा, सब सारे ग्रेन्स का आटा है? हाँ, सब मिक्स आटा है। अच्छा, और कलौंजी है। कलौंजी और मेथी डाल दिया पहले ही। कलौंजी और मेथी, कलौंजी मेथी और मिक्स ग्रेन आटा है इसमें, क्या बात है माशाल्लाह। और ये सब देखते जाओ क्या क्या डल रहा है, देखेंगे और दिखाएंगे और लोगों को बताएंगे, नहीं सिखाएंगे। बताते तो सब है मगर सिखाता कोई नहीं। ये देखो, ज्वार का आटा। ज्वार का आटा का कितना ग्राम है वो? आधा किलो की पैकिंग। ये रोज खिला रहे मंसूर भाई तुम? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रोज। अभी ये जब तक ठंडी है, जब तक ठंडी है तब तक इंशाल्लाह खिलाएंगे माशाल्लाह। ये भी ज्वार ही है भाई? ये भी ज्वार है, मतलब आधा आधा किलो, मतलब एक किलो का अपना हिसाब रखे, एक किलो का हिसाब है। सही है, तो ज्यादा है, लेकिन अभी खाली तुम्हारे लिए दिखाने के लिए कम कम डाल के फटाफट बना रहे। हाँ हाँ, फटाफट बनाओ ताकि हम भी पूना टाइम पे पहुंच जाए। ये बाजरी का आटा। बाजरी का आटा, क्या बात है माशाल्लाह। मतलब तुम जानवरों का पूरा हक अदा कर रहे हो भाई। हम तो सिर्फ सीजन में तेल पिलाते हैं, ये तेल पिलाओ काम बचाओ, मगर माशाल्लाह तुम यहाँ पे यार इतना खर्चा कर रहे हो, सही में यार माशाल्लाह। और एक देख रहा है मेरा भाई, मेरे को दुआ दो कि जो मैं मकसद कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिले। अल्लाह तुमको कामयाबी दे भाई, तुमको और जितने भी लोग जो कर रहे, सब जो मेहनत कर रहे बकरी की, सबको अल्लाह कामयाब करे। कामयाब करे भाई। ये क्या है? चने का आटा है। चने का आटा माशाल्लाह। इस पे सबसे खास आइटम मैं बताता हूँ तुमको, ये सबसे खास आइटम है। क्या ये कुट्टी आटा? क्या ये भाई? ये इंसान भी बीमार होता है ना भाई, इसमें सर्दी इंशाल्लाह ये बकरे को नहीं होगी। मतलब इंसान बीमार होता है तो? इंसान बीमार होता है तो इसका अपन ये सूप पीते हैं इसका। अच्छा, आटे का ही अपन बना के सूप पीते हैं। बीमार इनसे सर्दी होती है? सर्दी होती है। ये ठंडी में इंशाल्लाह ये अपन देंगे ना, तो मेरे को अल्लाह से उम्मीद है भाई। देखो, उम्मीद ही रखना चाहिए भाई। अल्लाह से उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद ही रखना चाहिए। तुम कंफर्म बोलोगे ना तो कुछ नहीं होता। नहीं है भाई, उम्मीद, उम्मीद रखने की अल्लाह से। दूसरा ये मकई का आटा है। मकई का आटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब अभी इसमें सब मसाले वसाले, मेन आइटम तो गिरना बाकी है सेट। बहुत जबरदस्त। ये रवा, क्या बात है, केसरी रवा। यहाँ पे मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है मगर मैं नहीं बता सकता अभी कैमरे पे। भाई माशाल्लाह यार, अल्लाह नजर से बचाए भाई। मेन आइटम दूसरी अपनी है भाई। ये क्या है? ये हलीम है। हलीम ठंडी में बहुत मुफीद आइटम है। मेन अभी क्या ठंडी का मौसम है ना भाई, ये सब गर्म आइटम ही खिला रहा है। जितनी भी है अपन सब अल्हम्दुलिल्लाह सब गर्मी आइटम है, बकरे को गर्म हो गए। देखो ना माशाल्लाह सब बढ़ते जा रहा है। एक एक दिन में कितना केजी बन रहा है तुम्हारा? ये अभी तो ये 17 किलो हो जाएगा। ये 17 किलो होगा माशाल्लाह, सब बकरे को पूरी आएगा इंशाल्लाह। लड्डू भी बना के दे रहा हूँ। अभी ये क्या है? ये भी आटा ही है। कौन सा आटा है ये? किस चीज खिलाता है? डोसा बनता है इसका मतलब? ये ही है तो चावल का आटा है। मतलब तुम हर चीज खिला रहे हो भाई। ये देखो भाई, बुरुज का सेंग तो नहीं है ना? माशाल्लाह मंसूर भाई, तुम हमेशा कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट ही लाते हो। मैं कैसा था मालूम राजा? हाँ। कि अपन जो करते थे ऑफ स्क्रीन करते थे, ऑफ स्क्रीन करते थे। जब से सोशल मीडिया पे आया जी जी, तो पब्लिक को भी ऐसा है कि मंसूर भाई क्या खिला रहे क्या नहीं खिला रहे दिखाओ, तभी दिखाना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि देखो जैसा जमाना है ना वैसा चलना चाहिए। आज जमाना है सोशल मीडिया का। बस देखो, दो किस्म की चीजें आती है सोशल मीडिया पे, एक अच्छी होती है और एक गलत होती है। तो हमको वो अच्छी चीजों में से, अच्छी चीजें दिखाने वालों में से बनना है भाई, गलत चीजें दिखाने वालों में से नहीं बनना है। बस मैं ये बोलूंगा आपको माशाल्लाह। ये जो सवेरे मैंने ड्रम में से दिखाया था, ओहो ये बकरे लोग इसके लिए चिल्ला रहे, आवाज दे रहे तुमको माशाल्लाह। देखो इसमें एक और आइटम है जो तेल है अपना। तेल भी अपन ने कपास का तेल ऑफर, कपास का जी।
और वो ऐसा है कि अपन कपास की खल्ली भी खिलाता हूँ ना बिरयानी में। हाँ हाँ। तो अभी अपने को अल्हम्दुलिल्लाह एक फैक्ट्री मिल मिली है। अच्छा। तो अपन कपास देते हैं ड्रॉ वाला। हाँ हाँ। तो उसमें खल्ली भी बना के देता है ताबड़तोप और तेल भी निकाल के दे देता है। डायरेक्ट कंपनी से काम करो तो क्या ताजा वाजा बोलते ना एकदम फ्रेश वाला माल वैसा यूज करो भाई। अल्लाह बरकत दे भाई। दुआ करो खाली तुम लोग मेहनत कर रहा हो भाई तो फल अल्लाह ताला देने वाले। बस मैं तो बोलता हूँ ना भाई काम करो नाम करो। काम करोगे तो नाम अपने आप होगा। हाँ, और लोगों की दुआ से ज्यादा तो जो जानवर दुआ देंगे ना तुमको भाई खिलाते हुए दिखाएंगे ना खाली रजत पहुंचेगा ना भाई लड्डू लेके तभी खाली बकरे लोग एक्सप्रेशन देखना तुम इंशाल्लाह। हाँ ना माशाल्लाह। नहीं आदत हो जाती है जब दाने खिलाने का टाइम हो गया जानवरों को तो जानवर कितनी आवाज मारते हैं। और माशाल्लाह ऐसी चीज जब मिल रही है जानवर को तो क्यों आवाज नहीं मारेगा भाई। अच्छा लगता है मेरे जो भी भाई देख रहे हैं सब दुआ दो मुझे खाली। ये एक चीज है कि हम लोग लोगों से बस उम्मीद रखते दुआ की। हाँ, बस और कोई चीज की उम्मीद नहीं रखते हम लोग। मुफाद नहीं है दुआ दो मेरे को नहीं दे रहे तो मेरे बकरों को दो। बिल्कुल देखिए दुआ दो नहीं देते लोग दुआ देते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तुमको बोल के थोड़ी दुआ। नहीं 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 बस खाली दुआ में याद रखे बस हो गया। इंसान की जब खुशी मुस्कुराहट आती है ना चेहरे पे तो वो भी दुआ है वो भी दुआ बन के लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह हमको जब इंसान देखता है ना जैसे हम लोग है ना हंसते खिलते रहते हैं हमेशा तो इंसान भी हमको देख के हंसता ही है तो अल्लाह इनडायरेक्टली हमको दुआ पहुँचा ही देता है। माशाल्लाह रजत जो है ना रजत माशाल्लाह ये रजत को भी अल्लाह नजर से बचाए। ये रजत जो मेहनत करता है ना भाई मैं देखा हूँ मेरी आँख से। बस मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये रजत मुझे दे दो। ये रजत मुझे दे दो आप ये वाली जो वीडियो है ना दरअसल बहुत लंबी हो रही है। मैंने आज के ब्लॉग में डालने का सोचा था ये मैं नहीं डालने वाला हूँ। ये शॉर्ट भी आप लोग अलग से वीडियो में ही देख रहे होंगे। मैं एक डेली ब्लॉगर हूँ मेरा कोई ऐसा बेसिकली फार्म के वीडियोस में शूट नहीं करता उस हिसाब से मैं ये ब्लॉग बना रहा था मगर मुझे ये जो फीड ये जो लड्डू बन रहे क्या बोलते हैं चूरमा ड्राई फ्रूट चूरमा जो बन रहा है इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी जो आप लोग देख रहे हो। और आप लोग अगर अब तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ मैं मेरी डेली लाइफ पे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है भाई। आपको अच्छे लगते हैं हमारे डेली व्लॉग्स? हाँ, देखते हैं ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये चूरमा बन ही रहा है तो ये चूरमा बन जाएगा जब इसके लड्डू बनेंगे तब हम लोग शूट करेंगे। अब तो ये इसे गूंदा जा रहा है। हमारे घर की औरतें जब हमें रोटियां खिलाने के लिए जो आटा गूंदती है ना उसी तरीके से ये आटा गूंदा जा रहा है। यहाँ पे रजत के पसीने छूटते हुए मगर रजत वो है जो हार नहीं मानने वालों में से है। रजत फुल ऑन कूट रहा है। रजत ऐसा समझना कि तुम्हें कोई सता रहा है फोन कॉल पर और तुम उसे दे रहे हो। क्यों मंजूर भाई? क्या होता है पता है मंजूर भाई कभी कभी हमें ऐसे कॉल्स आते हैं ना मतलब दिन में से 50 कॉल आते हैं हम लोगों को समझो और तीन काम के होते हैं और बाकी के जो 47 होते हैं ना वो कोई काम के ही नहीं होते। तो ये वो 47 कॉल्स है और तुम लगे रहो रजत। यहाँ पे हमारे 14 साल के चाचा फुल फॉर्म में आ चुके हैं। ये आ गए भाई। कलीम भाई को तुम मिस नहीं करना ना। कलीम भाई देखो मैं तुम्हारा हक अदा कर रहा हूँ। ये चाचा को मैंने 14 साल का बोल दिया तो अभी तुम्हारी कमी महसूस नहीं हो रही है चाचा को। तो जब से आपको याद कर रहे थे देखो माशाल्लाह चाचा का कोई रोल नहीं है ये काम में कोई रोल नहीं है। चाचा का जो काम है ना वो काम वो कर चुके हैं। ये हुजैफा के बिहाफ पे चाचा उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। देखो माशाल्लाह ये दिल का मामला होता है उनको किसी ने बोला नहीं करने के लिए वो दिल से कर रहे हैं। दिल से वही पे काम होता है जैसे दिल जुड़ा होता है। माशाल्लाह ऐसे ही सबके दिल जुड़े रहे और ऐसे ही सब लोग हंसते खेलते अच्छे रहे बस यही दुआ करेंगे हम। और आप जो लोग देख रहे हो वो लोग भी दुआ करो। क्या बात है ये पड़ रहा है इसमें माशाल्लाह ये कपास का तेल राइट कॉटन ऑयल। इसको ये नहीं मिला तो उसके लिए बिहार पे गया राई का तेल। किसी कुछ भाई को कॉटन तेल नहीं मिले ना तो राई का तेल अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा सही है। मेरे को इजीली अवेलेबल हो गया कॉटन इसके लिए अपन कॉटन डाल रहे हैं। अच्छा देखो भाई मेहनत देखो ये सब मेहनत चल रही है जानवरों को खुशी पहुंचाने के लिए। देखते हैं खुशी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है या सारे जानवर भाग जाते हैं इसे देखकर। तो यहाँ पे देखो ये जो आटा है ये गूंद कर हो गया है जो चूरमे का आटा है वो गूंद कर हो गया है। अब यहाँ पे लड्डू बन रहे हैं और ये लड्डू नहीं बन रहे ये लड्डा बन रहा है। लड्डू का साइज देखो भाई इसे लड्डा ही बोला जाएगा। देखो माशाल्लाह अल्लाह नज़र से बचाए जो ये खाएगा उसे भी और ये जो खिला रहा है उसे और खिला तो अल्लाह रहा है हम तो बस जरिया है। जब कोई इंसान आपकी तारीफ करता होगा तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी लगता है तो और तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है बेशक। देखते ही देखते देखो माशाल्लाह कितने लड्डा तैयार हो गए हैं। और ये लोगों की लड्डा और माशाल्लाह देखो ये लोगों की स्पीड भी कम नहीं है 2 से 3 हो गए और माशाल्लाह लड्डा ही लड्डा और आधे से ज़्यादा बचा हुआ है। रजत कितना केजी हो जाता है टोटल ये? 17 केजी। और सब जानवरों को मिलता है? सबको एक एक लड्डू सबको मिल जाएगा। 180 लड्डू बनता है। 180? हाँ। क्या मतलब 180 जानवर है अपने पास? हाँ। माशाल्लाह देखो भाई एक थाली भरी आधा घमेला ना बड़ा घमेला ये और
ये छोटा सा जो लड्डू है, ये इसे लड्डू बोल सकते हो तुम तो। ये लड्डू है और ये लड्डा है, और ये छोटा सा जो लड्डू है, ये जो छोटा बेंटम भाग रहा था ना, यहाँ जो फैजान भाई मांग रहे थे करा दो ये उसको खिला दो, है ना, उसके लिए तो यही काफी है, हजम कर पाएगा इसे वो, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी ये बकरों को खिलाने लेके जा रहे हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको, वो बकरे खाते या नहीं खाते वो भी तो देखते हैं। क्या सिर्फ मंसूर भाई बोलते हैं कि बहुत शौक से खाते हैं, बहुत शौक से। लड्डू खिलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या बात है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, चलो मंसूर भाई आप दिखाओ आपके जानवर खा रहे हैं या सिर्फ आप बोलते हो कि देखो ये खिला रहा हूँ। देखो ना भाई, देखो ये देखो, इनको पता चल गया है कि लड्डा आ चुके हैं। ये देखो माशाल्लाह सारे के सारे आगे आ गए, हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, देखो इनकी बेचैनी देखो माशाल्लाह, अरे खा रहे हैं यार माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए इनको माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेवाती को नहीं मिला, ऐसे छूट तो नहीं जाता होगा ना कोई जानवर, हाँ वो एक हाथ तो स्किप हो ही जाता होगा, दो खा लिया। अच्छा बड़े को डबल, बड़े को डबल उसके साइज के हिसाब से, जैसा आप खाते हो मैं खाता हूँ। ये सुन रहे हो, ये पिस्ते टूट रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, देखो खिला रहे, दो दो खाने के बाद तीसरा खाने भी आ रहे हैं माशाल्लाह, देखो छोटे छोटे भी आ रहे हैं, इनको साइज कम करके खिला रहे माशाल्लाह, वाह बहुत बढ़िया यार। इनकी बेचैनी देखो, इससे ये अंदाजा लगता है कि हाँ जानवर शौक से खा रहे हैं, ये ज्यादा खिलाने से भी तकलीफ हो जाएगी, हाँ ना ज्यादा नहीं, इसके लिए तो हर काम थोड़ा एक एक दो दो ठीक है, अगर ये तीन चार खिलाएंगे तो फिर कल नहीं आएंगे आगे, कल लूज मोशन भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को क्या खा रहा है ना खिलाओ खिलाओ खिलाओ, मगर ज्यादा खिलाने से जो तकलीफ होती है वो नहीं सोचता इंसान। देखो यहाँ का कम्प्लीट, अब आगे बढ़ रहे, बहुत बढ़िया, ये सबको खिलाते खिलाते ही आगे आ रहे हैं। देखो ये पलाई वाले जानवर है, ऐसा नहीं है कि मंसूर भाई अपने पर्सनल जो जानवर है उन्हीं को खिला रहे, ये पलाई वाले जानवर भी खा रहे माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है मंसूर भाई, हकीकत में दिल से दुआ निकल रही है, तुम मेरे भाई हो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं तो खुद मेरे शौक के जानवर मैं खुद ही पालता हूँ, लोगों को पता है, मगर मैं अगर पलवाता ना तो ऐसे जगह पे पलवाता जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, कोई नहीं करता है भेदभाव, मगर जो मैं आँख से देख रहा हूँ ना भाई, वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा भाई काम कर रहा है, सही में काम कर रहा है, मुझे लगता है नहीं मेहनत कर रहा है मेरा भाई, ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए चीज, आज तक ये नहीं पहुँची मगर अब हमारे जरिए पहुँचनी चाहिए इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये पलाई के जानवर है माशाल्लाह यार, पलाई के कॉन्सेप्ट में तुम पहले इतना नहीं थे मंसूर भाई, नहीं मैं ध्यान नहीं देता था भाई, क्यों तुम ऐसा क्यों, तुम्हारी सोच ऐसी क्यों थी कि पलाई नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अपने जानवर ही तैयार करके बेचू, अच्छा अब जो सिनेरियो जो चल रहा है अपने आसपास, हाँ। कि भाई पलाई के ऊपर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, मगर मैं तो एक ही बात बोलूंगा मंसूर भाई, हर इंसान कोई भी काम करता है ना वो पैसों के लिए करता है, मगर वो पैसा कैसा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हलाल आ रहा है या हराम आ रहा है, तो हलाल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है, तो पलाई में पैसा है इसके लिए पलाई कर रहे हो, अगर पलाई में पैसा नहीं होता तो नहीं करते, और ये आप खिला भी रहे हो माशाल्लाह, मगर आप पलाई कब जब से स्टार्ट किए हो तो पलाई आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल मैंने बहुत फोकस किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पलाई पर, अल्लाह का शुक्र है अभी अपन और 150 बकरे की कैपेसिटी है लेने की माशाल्लाह, तुम्हारे जगह पे तो ज्यादा ले सकता मैं, लेकिन अब मेरा कैसा जितने भी अपन ध्यान रहे उतना ही करें, खाली फॉर्म भरना नहीं है मुझे, मेरे को रिजल्ट भी अल्लाह से मांग के देना है, ज्यादातर लोग वही करते कि जितना हो सके उतना ही, जितना अपन फोकस अभी जैसे मैं ले लूं फिर बाद में कोई आके भाई बोले भाई मेरे बकरे पे ध्यान नहीं दे, मींस नॉट सेटिस्फेक्शन, अपने रिजल्ट नहीं देना, थोड़ा ही करना, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा करना, मगर जानवर आ रहे हैं के जानवर आ रहे हैं माशाल्लाह, मैंने देखा आपके पास किसी ने हंसा की फीमेल्स भिजवाया माशाल्लाह, वो उसका ब्रीडिंग सेटअप है पूरा माशाल्लाह, अल्लाह उसकी नियत में कामयाबी गए, जो नियत से उसने जानवर लिया है भाई, एक से एक चीज उठाया उसने, हाँ ना यार मैं देखा भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, बस अल्लाह उसको कामयाब करे, उसकी नियत होगी ना भाई कि मैं बच्चे पैदा करवाऊंगा फिर मैं उसे बेचूंगा, मैंने घर में कुर्बानी करेगा, मैं 50 लाख अगर लगाया हूँ तो 70 लाख आए, वैसी नियत होनी चाहिए भाई, क्योंकि इंसान जो भी करता है ना भाई दो पैसों के लिए करता है, कोई नुकसान खाने के लिए नहीं करता है, मानते हो ना बात, तुम खुद करते हो चीज, देखो हम लोगों की बातों में आपके सारे जानवर जो है वो क्या खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट चुरवा, नहीं वो तो आप बोलते हो, मैंने क्या नाम दिया इसको, लड्डा लड्डा, हाँ लड्डा, देखो भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया, ये भी जो जानवर रखे है यहाँ पर ये भी ब्रीडिंग के पर्पज से सामने वाले ने रखा है, और ये भी सारे पलाई पे ही है माशाल्लाह, लोगों का शौक होता है, देखो मैं भी कुछ कर रहा हूँ मेरी जगह पर,
वो मेरे शौक के हिसाब से कर रहा हूँ। वो चीज देखा दोपहर में, वो इंसान को उस बकरियों का शौक था, वो उस बकरियों में कर रहा है। और ये भाई जिन्होंने ये रखा है, उनको इन चीजों का शौक करके वो इनकी ब्रीडिंग कर रहे हैं। मतलब अल्लाह सबके शौक पूरा करवाता है, जैसे नस्ल की पसंद है वो हिसाब से सबके शौक पूरे करवाता है अल्लाह, किसी को मायूस नहीं रखता है। देखो ये लोग भी खा रहे है माशाल्लाह, सबको दे रहे, सबको। ऐसा नहीं कि हम आज आए तो हमारे पास हमको दिखाने के लिए खिला रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नहीं है। ये तो अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि जिसके बकरे है वो अपने फीडिंग टाइम पे आवे और देखे अपने बकरे को क्या खिला रहे हैं। मगर मैं बोल रहा था कि अगर ये हमको दिखाने के लिए कर रहे हो ना, तो ये तो तुम हमारे से झूठ बोल रहे हो, मगर अल्लाह से थोड़ी झूठ बोल रहे हो। उसकी पकड़ तो आपको बेशक हो। मेरे जान मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कभी भी आओ ना, जो फीडिंग टाइम है सबको मालूम है, जितने भी पलाई पे अपने पास रखते हैं उनको मालूम है कि साढ़े पाँच बजे मनसुबह दाना डालते हैं, फिर उसके बाद अपन एक डेढ़ घंटा रेस्ट देते हैं, फिर बिरयानी डालते हैं। बिल्कुल, अभी बिरयानी से पहले एक नई आइटम आ गई है, ऐड हो गई है। हाँ, बिरयानी का वीडियो अगर देखा नहीं है ना, तो राइट साइड में ऊपर आई बटन में देखता हूँ बिरयानी का वीडियो। और मंजूर भाई मुझे यही बताना है कि कैमरे में जो दिखता है ना, हमेशा उसी पे भरोसा मत आके लाइव देखो ना भाई, मत करो। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, आके लाइव देखो। आज तुम्हारे लिए सामने समझो, आज बना दिया, आज एक दिन बना दूंगा। अभी कोई आने वाला बोल के तो नहीं आ रहा, डीलर बोले आएगा, जब उसको देखेगा भाई ये नहीं डाल रहा है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ कैमरा पे भरोसा मत करो। और मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे थोड़ा थोड़ा डालते ही रहता हूँ। मैंने आपको पहले से बताया जी कि जब तक दिखोगे नहीं तब तक दिखोगे नहीं, तो अपने आप को दिखाओ और अपने आप को बेचो जी। हमको बेचना है, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो पूरा प्ले ग्राउंड एरिया है, ये पूरा के पूरा जानवरों को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, अपनी खुर वगैरह मारने के लिए, अपना घूमने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अब जो सेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, वो भी पलाई सेक्शन ही है पूरा। देखो यहाँ पे ये भाई साहब भी रुके हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे खड़े थे, मगर आगे बढ़ के खिलाया नहीं उन्होंने जानवर, हालांकि रुके हैं खाने के लिए। देखो खिलाओ रजत, माशाल्लाह। देखो ये लोग इतने जो ये जो जानवर ही बता रहे हैं तुमको कि ये रोज़ मिलता है या नहीं मिलता है इनको, ये टाइम पर खुद ब खुद आके खड़े हो गए, ये जानवर खुद बता रहे तुमको। हम कितना भी बोले कैमरे में, मंसूर भाई कितना भी बोले, मगर ये जानवर भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग जो खड़े हैं वो खाने के लिए ही खड़े। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे पलाई वाले, पलाई सेक्शन है, और सारे के सारों को मिल रहा है लड्डा। क्या बात है माशाल्लाह, ओहो हो, बहुत बढ़िया, पूरा हक अदा कर रहे हो, थक है तुमको, थक है माशाल्लाह। मेरा भाई है इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो मेरी आंखों से देख रहा हूँ ना, मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे दिल से दुआ निकल रही है। माशाल्लाह, अभी ये सब सिलसिला यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके वहाँ तक चलेगा। देखो ये जो शिरोई है ना, ये शिरोई हमारे डेली व्लॉग्स वाले वीडियो में मैंने लिया हूँ। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त चीज़ है ये, मैंने मांगा ये बकरा, मगर जिस भाई का ये पलाई पे है उन्हें बेचना नहीं है। देख लो, देखो देखो, ओहो माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, ओहो माशाल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। भाई हकीकत में शिरोई का पूरा शौक हो जाएगा ये बकरा देख के आपको। ये बदीर का वीडियो बनाया था मैंने, ये बदीर क्या था और क्या हो गया माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, ये मेरे आंखों देखा बकरा हो, बहुत अच्छा हो गया। सीना तो क्या तैयार हुआ है माशाल्लाह इसका, और ये ऐसे ही तैयार नहीं हुआ है, ये देखो माशाल्लाह ये सारी चीज़ें खा के तैयार हुआ है, लड्डा लड्डा खा के माशाल्लाह। देखो आज से नया नाम लड्डा, लड्डा देखो भाई, ये साइज देखो, कौन बोलेगा भाई से लड्डू, ये लड्डा है लड्डा। हम लोग तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, मगर देखो वहाँ पे वो जो लड्डा खिलाने का काम है वो चल ही रहा है, जिसे मंसूर भाई चूरमा बोलते हैं, चूरमा। क्या बात है माशाल्लाह, साइज देख रहे हो लड्डा का, और माशाल्लाह जो जानवर है ना भाई वो खा भी रहे, ऐसा भी नहीं है, खिलाने और मजा आती है, मजा आती है भाई, जानवर मेहनत करते हैं और फिर खाना जानवर नहीं खाता तो फिर मूड ऑफ हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका अपन शाम का इंतजार करता हूं भाई, मतलब शाम हो और अपन ये लड्डू बना के खिलावे। ये देखो, ये देखो इसका बेसबरा पना देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। देखो भाई जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पलाई पे बकरे हैं सारे के सारे, ये देखो आपके सारे जानवरों को यहाँ पे वो लड्डा खिलाया जा रहा है, और माशाल्लाह देखो रजत के चेहरे पे खुशी देखो खिलाने की, माशाल्लाह भाई लोग हंसते खेलते रहेंगे और काम करते रहेंगे ना भाई, और मजा आता है, और मजा आती है और बरकत रहती है भाई। कोई इंसान मजबूरी में कोई काम करता है ना भाई, वो काम काम नहीं कहलाता है ना।
जरदालू की जो सही है, मुझे तो लगा था अखरोट, अखरोट के छिलके भी तो नहीं आ गए उसके अंदर। देखो माशाल्लाह बहुत अच्छा खूबसूरत जानवर है, और ये जिनका है उन्होंने इसका नाम रखा है हीरो, अपने हीरो से इंस्पायर है, सही में इंस्पायर है, बहुत अच्छा है। और इसके बाल अच्छे हैं, अगर कर्ली होते तो हीरो जैसा ही लगता है, हीरो के बाल जो थे वो कर्ली थे, वो तो आउटस्टैंडिंग है माशाल्लाह, अल्लाह उसको नजर से बचाए। और जब भी तुम्हारी नीयत होगी देने की मेरा नंबर ले लेना मंसूर भाई से और कॉल कर लेना आप, अल्लाह फिर कामयाब करे उसमें और उसी पे कायम रखे उसको। देखो ये सारे पलाई के जानवर कैसे भागते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह, ये सारे खस्सी है ना मंसूर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, लड्डाज माशाल्लाह, इसके चेहरे का साइज देखो माशाल्लाह, और वो लड्डा का साइज इसके लिए परफेक्ट था माशाल्लाह। सारे जानवर रेडी और लड्डा देखो इतने बचे हुए अभी, चूरमा वेरी गुड। ये प्रोसेस में पूरा 2 घंटा जाता है जी, मैं देख रहा हूँ ना हाँ। जब से ये बना फिर इसके जो लड्डा बने फिर उसके बाद जो ये बटे, ये सारी चीज़ों में हम लोग बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं, एक एक कंप्लीट हो रहे हैं। मगर खास बात इसमें यह है कि ये हम लोग फीडर में नहीं डाल रहे, इंडिविजुअल एक एक जानवर को खिला रहे हाथों से अपने, बहुत अच्छे। तो उसमें कैसा है एक को 4 मिल जाएगा, एक को 1 भी नहीं मिलेगा, और उससे जो 4 खाए वो तकलीफ भी हो जाएगी, सही बोले माशाल्लाह। देखो ये हंसा बकरिया पलाई पे आई है, बताया था ना मैंने, ये वही बकरिया है माशाल्लाह, अब इनको भी मिल रहा है सब कुछ रजत के हाथों से माशाल्लाह, बच्चों को भी मिल रहा है बड़ों को भी मिल रहा है। चलो मंसूर भाई हम लोग वो जो लड्डा था जो आप चूरमा बोलते हो वो खिलाते खिलाते हम लोग फिर से आ गए हमारी बैठक के तरफ, लोगों ने देख लिए, हम लोगों को दिखाना था कि ठंडी में ये क्या खिला रहे हम लोग, ताकि लोग देखे जो आपके क्लाइंट है वो भी देखे कि क्या खिला रहे, जिनके जानवर नहीं है आपके पास वो ये चीज देख के अट्रैक्ट हो आपके पास और वो आपको पलाई दे, बेसिकली हम लोगों का यही मोटिव था। मुझे उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो के बाद लोग आपसे मुतासिर होंगे और आपके पास पलाई के लिए देंगे, है ना। और एक चीज का फायदा ये होगा लोगों को, जो लोग अपने घर पे जानवर पालते हैं पर्सनली आपने तो बता दिया क्या क्या डाल रहे हैं, तो वो लोग खुद बना के खिला सकते हैं। तो हम लोगों के 2 काम हो गए इसमें, एक लोगों को हम लोगों ने नॉलेज दे दिया इस बारे में, और दूसरा हम लोगों ने हमारे जो क्लाइंट है उनको बता दिया कि आपके जानवर ये खा रहे हैं, और जो हमारे क्लाइंट नहीं है उनको हम लोगों ने इनवाइट कर दिए कि आपके जानवर हमारे पास पलाई को दो, आपके जानवरों को ये चीज खाने की मिलेगी। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो चूरमा वाली वीडियो थी पसंद आई होगी, ड्राई फ्रूट चूरमा वाली वीडियो थी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक करना है, नहीं पसंद आई तो क्या करना है, डिसलाइक करना है। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो, ये तो हमारा बस एक छोटा सा वीडियो था, ऐसे तो हम डेली व्लॉग्स वाले लोग हैं, डेली व्लॉग्स डालते हैं, और कितने बजे डालते हैं, सवेरे 10 बजे एवरी डे, और डालते रहेंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़।